यंग मॉडुलस के अगर बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से जो एक्सटेंशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, ठीक है। और इसके फिर हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमने जो है इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करनी है। अच्छा, हमने वो भी डिस्कस किया था ना, स्प्रिंग कांस्टेंट और यंग मॉडुलस का रिलेशनशिप भी डिस्कस किया होगा। उस हमने डिस्कस किया होगा कि भाई वो आपका जो यंग मॉडुलस होता है वो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स के बराबर होता है। तो उसमें जो एफ अपॉन एक्स होता था वो के होता था। यंग मॉडुलस आपका किसके बराबर हो, यंग मॉडुलस बराबर हुआ के एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। यंग मॉडुलस आपका के एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, कुछ इस तरह की हमारी बात हुई थी, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, ये इज इक्वल टू के एल अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा इसके हम एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं और मेरे ख्याल इसकी वर्कशीट हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30, वर्कशीट नंबर 31 है शायद, 31 तो हमने कर ली थी, वर्कशीट नंबर 32 होगी। बुक में देखो यार लास्ट वर्कशीट कौन सी की है हम लोगों ने, वर्कशीट नंबर 32 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहे हैं द बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द यंग मॉडुलस ई ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एंड ऑफ द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन के ऑफ द वायर। फॉर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड के। तो देखिए, ई और के का रिलेशन तो अभी मैं आपको बता रहा था। ई और के का रिलेशन ये है कि ई बराबर है आपका किसके, ई बराबर है आपका F into L upon A into X के बराबर है। इसमें से F upon X जो है वो क्या चीज़ है, इसमें से F upon X जो है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यंग मॉडुलस आपका बराबर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट into लेंथ डिवाइड बाय एरिया। ऐसा कहाँ लिखा हुआ भाई, ऐसा माशाल्लाह से C में लिखा हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर C। दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ लार्ज क्रेन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट लिफ्टिंग अ क्यूब शेप्ड लोड। अ मॉडल इज मेड ऑफ द क्रेन, इट्स लोड एंड द केबल सपोर्टिंग द लोड। द मटेरियल यूज्ड फॉर ईच पार्ट ऑफ द मॉडल इज द सेम एज दैट इन द फुल साइज क्रेन, केबल एंड लोड। द मॉडल इज 1/10 फुल साइज इन ऑल लीनियर डायमेंशंस। व्हाट इज द रेशियो स्ट्रेस इन केबल ऑन द फुल साइज क्रेन, स्ट्रेस इन द केबल ऑन द मॉडल क्रेन। देखिए, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आप जो है ना वो एक केबल के जरिए एक लोड को उठा रहे हैं, तो उस केबल के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगी। एंड बाय द वे, स्ट्रेस किसके बराबर होती है, स्ट्रेस जो है बराबर होती है
फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं हम यही क्रेन बनाएंगे और यही केबल होगा और यही लोड होगा, सब कुछ ये होगा, लेकिन वो जो है ना 1/10 होगा, यानी कि उसकी हर डायमेंशन 1/10 होगी, यानी कि हर लेंथ जो है 1/10 होगी, हर विड्थ 1/10 होगी, हर हाइट 1/10 होगी, हर थिकनेस 1/10 होगी, हर डायमीटर, हर रेडियस, यानी कि हर लेंथ, हर डायमेंशन जो है 1/10 होगी। तो जो फुल साइज की जो क्रेन है उसकी केबल में जो स्ट्रेस है, और जो मॉडल साइज की जो क्रेन है उसके जो केबल में स्ट्रेस है, उन दोनों स्ट्रेस का रेशियो आपको जो है वो यहाँ पर बताना है। तो देखें वो रेशियो किस तरह से आएगा, रेशियो इस तरह से आएगा कि अगर देखें, अगर आप फुल साइज लोड की बात करें तो फर्ज करें ये आपका फुल साइज लोड है भाई, ठीक है, ये आपका फुल साइज लोड है। अब इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है W, इसकी हाइट है H, तो इसका जो वॉल्यूम है वो V है। जो मॉडल है उस मॉडल की जो क्यूब होगा मॉडल साइज का, उसकी लेंथ कितनी होगी L/10, उसकी विड्थ कितनी होगी W/10, उसकी हाइट कितनी होगी H/10, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा V/1000, 10 × 10 = 100, 110 × 1000, यानी उसका वॉल्यूम 10 गुना कम हो। अब अगर फर्स्ट करें कि इसका जो लोड है यानी कि जो वेट है इसका, वो जितना भी है उसका जो वेट होगा वो इसके वेट का 1/1000 टाइम, क्योंकि वॉल्यूम 1/1000 टाइम हो गया। अच्छा, अब आ जाए आप केबल पे, जो आपका एक्चुअल जो आपका एक्चुअल केबल है, ठीक है, एक्चुअल जो आपका केबल है उस एक्चुअल केबल की जो लेंथ है आपका जो एक्चुअल केबल है उसकी जो लेंथ है या जो उसका डायमीटर है वो अगर डी है और उसका एरिया ए है, तो जो मॉडल होगा उस मॉडल की जो वो होगी तो आपका जो मॉडल है उस मॉडल केबल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा D/10 होगा। उस मॉडल केबल का डायमीटर D/10 होगा तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया A/100 होगा, क्योंकि एरिया में डायमीटर पे स्क्वायर आता है, ठीक है, एरिया पे डायमीटर पे स्क्वायर आता है एरिया, तो डायमीटर 1/10 टाइम होगा तो एरिया 1/100 टाइम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, फर्स्ट करें फुल साइज क्रेन में लोड है F और एरिया है A, तो जो मॉडल टाइप के वो होगा आपका क्रेन, उसका लोड जो होगा वो कितना होगा, वो होगा F/1000 होगा अपॉन एरिया उसका A/100 होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर है F अपॉन A, नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा F/100 × 1000 / A, तो ये 1000 का 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, तो जाएगा F/A और पलट कर हो जाएगा A/10 है, F से F कैंसिल, ठीक है, और आपका जो है वो दोबारा से सॉल्व कर लेता हूँ, लगेज पे जो हुई थोड़ी सी, तो देखो जो तो फुल साइज क्रेन है उसका लोड अगर आपका F है और एरिया A है, ठीक है, मॉडल साइज जो है उसका जो लोड है वो कितना है, उसका जो लोड है वो F/1000 है और जो उसका एरिया है वो A/100 है, तो पलट कर क्या हो जाएगा, वो जाएगा 100/A, इस तरह से आपका अगर 100 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 10 बचेगा। अब ऊपर लिखा हुआ है F/A, ये नीचे वाला पलट कर मल्टीप्लाई होगा 10 × A/F, F से F कैंसिल, A से A कैंसिल, तो बचेगा 10, यानी कि 10^1, खाली 10 मतलब 10^1 होता है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ है 10^1, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, कल इंशाल्लाह आप लोग जब क्लास लेने आएंगे, कल तो नहीं आएंगे परसों आएंगे, तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप, इसका आंसर आप मार्क्स स्कीम से देखेंगे शायद आपको मिल जाएगा मार्क्स स्कीम से आंसर, लेकिन सवाल की लॉजिक आपको ज़्यादा मार्क्स स्कीम से नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को मुझे इसकी लॉजिक बतानी है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व किया, तो ये आपका होमवर्क है, परसों आप क्लास लेने आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करूँगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ वायर ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल हैज वर्टिकली हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, द वायर इज एक्सटेंडेड बाय हैंगिंग अ मास एम ऑन इट्स एंड, द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज ई, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी, सो व्हिच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द एक्सटेंशन एक्स ऑफ द वायर।
देखिए बात ये है कि जो आपका यंग मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, आपका यंग मॉडुलस क्या होता है, एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बनाए तो किसके बराबर होगी, एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जितने भी ऑप्शन दिए मैं इसमें यंग मॉडुलस तो है, यंग मॉडुलस का जिक्र है, ठीक है, बाकी जो लोड है वो एम जी हो जाएगा, इसका भी जिक्र है, लेंथ एल का भी जिक्र है, लेकिन एरिया का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो लेकिन डायमीटर का जिक्र है जगह जगह, तो एरिया की जगह क्या आएगा, एरिया की जगह डायमीटर आ जाएगा। तो अभी सारी वैल्यूज पुट करें तो एक्स बराबर बनता है, एफ की जगह क्या आएगा एम जी, और लेंथ की जगह क्या आएगा एल, एरिया की जगह क्या आएगा पाई डी स्क्वायर, और पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर का फोर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ई आ जाएगा। ठीक, वैसे देखें ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, एम जी एल फोर डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, ऐसा जो है डी में लिखा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज अ वायर ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल दैट इज फर्मली क्लैम्प्ड एट वन एंड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ वुड, अ लोड इज अप्लाइड टू द वायर व्हिच एक्सटेंड्स इट्स लेंथ बाय एक्स। ठीक है, A second wire is made of the same material but of diameter 2D and length 3L. Both wires obey Hooke's law. So what is the extension of the second wire when the same load is applied? देखिए एक वायर है उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर जो है वो है डी, और उसकी लेंथ कितनी है एल, और उसमें एक्सटेंशन कितनी है एक्स। अब आपने उसी मटेरियल का एक दूसरा वायर बनाया, उसका डायमीटर कितना है 2D, उसकी लेंथ कितनी है 3L, ठीक है, उसमें जो नई एक्सटेंशन है एक्स डैश वो कितनी होगी। ठीक है, अब देखें पहले वाले वायर की जो एक्सटेंशन होगी वो बराबर होगी एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, नए वाले वायर की जो एक्सटेंशन होगी उस पर आपने सेम लोड लटकाया है। ठीक है, आपने उस पर सेम लोड अप्लाई किया, लिखा हुआ सेम लोड इज अप्लाई, तो लोड एफ ही रहेगा। लेकिन जो नया वायर, नया वाला वायर उसकी लेंथ कितनी है, नए वाले वायर की लेंथ है 3L। अच्छा, नए वाले वायर का डायमीटर डबल है, तो डायमीटर डबल होने का क्या मतलब है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एरिया जो होता है वो डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर आपने डायमीटर को दो गुना बढ़ाया है तो एरिया उसके स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, इनके चार गुना बढ़ेगा, तो एरिया इसका हो जाएगा 4A। और एक्सटेंशन इसकी जो ई की वैल्यू है वो सेम होगी, ई की वैल्यू क्यों सेम है, ई की वैल्यू इसलिए सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम मटेरियल। अब आप क्या करें, आप जो है इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर लें, यानी कि एक्स डैश को आप एक्स से डिवाइड कर लें, तो ये एक्स आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई आ जाएगा। अब क्या होगा, एफ से एफ कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वो बचेगा 3/4, तो आपका एक्स डैश बराबर आएगा 3/4 एक्स के बराबर, एक्स डैश बराबर जाएगा 3/4 एल के बराबर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, अ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज जॉइंड टू अ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एज शोन। The combination wire is stretched by a weight added to its end. Both the copper and the steel wires obey Hooke's law. So what is the ratio of extension of steel wire divided by extension of copper wire? ठीक है, दोबारा सुने गौर से। कह रहे हैं यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, हम एक काम करते हैं दोनों का अलग अलग डेटा बनाते हैं, ये स्टील है और ये कॉपर है, तो अगर कॉपर का यंग मॉडुलस ई है तो स्टील का यंग मॉडुलस 2E है। क्यों, वो कह रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, तो कॉपर के अगर मैं यंग मॉडुलस को अगर ई लेता हूं तो स्टील का यंग मॉडुलस क्या होगा, 2E होगा। अब कह रहा है 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉपर वायर है और डायमीटर 2 मिलीमीटर है, ठीक है, तो ये इसका यंग मॉडुलस हो गया, इसकी लेंथ है 50, इसका डायमीटर है 2, फर्स्ट करें इसका जो एरिया है उसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इट इज जॉइंट टू अ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील वायर, स्टील वायर की लेंथ भी कितनी है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है,
इसका यंग मॉडुलस 2e है, लेकिन इसकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर है, इनके इसके मुकाबले में, कॉपर के मुकाबले में इसका डायमीटर आधा है, तो कॉपर के मुकाबले में जो उसका एरिया होगा फिर वो क्वार्टर होगा, क्योंकि अगर आपका डायमीटर आधा है तो एरिया उसका स्क्वायर टाइम होता है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो एरिया जो हो जाएगा इसका कॉपर वायर का वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा कॉपर के स्टील का। द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट एडेड टू इट्स एंड, बोथ द कॉपर एंड स्टील ओबे हुक्स लॉ, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉपर वायर, दोनों पे सेम लोड लगाया है, यानी कि इसका लोड भी एफ है और इसका जो लोड है वो भी एफ है, तो फर्स्ट करें कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो है मिसाल के तौर पर एक्स सी, फर्स्ट करें इसकी जो एक्सटेंशन है वो है एक्स एस, यानी एक्सटेंशन ऑफ स्टील एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉपर, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉपर वायर का रेशियो चाहिए, यानी कि आपको एक्स एस डिवाइड बाई एक्स सी का रेशियो चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉपर वायर का आपको जो रेशियो चाहिए। अभी के पीछे हमने एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, क्या ड्राइव किया हुआ है एक्सटेंशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, एक्सटेंशन बराबर होती है एफ इन टू एल डिवाइड बाई ए इन टू ई के, एक्सटेंशन बराबर होती है एफ इन टू एल डिवाइड बाई ए इन टू ई के बराबर होती है एक्सटेंशन, यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर क्या होगी, लोड लोड एक्सटेंड लोड जो है वो स्टील वायर का एफ है, लेंथ स्टील वायर की 50 है, एरिया स्टील वायर का ए बाई फोर है, तो ए बाई फोर का 4 ऊपर यहाँ पर आके पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टील का एरिया ए बाई फोर है तो उसका 4 पलट के यहाँ आ जाएगा, और यंग मॉडुलस स्टील का 2e है, यानी कि कॉपर के मुकाबले में डबल। ऑन द अदर हैंड कॉपर के वायर के ऊपर जो लोड है वो F है, कॉपर के वायर की लेंथ 50 है, कॉपर के वायर का जो एरिया है वो सिंपली A है, कॉपर के वायर का यंग मॉडुलस हमने E लिया, कैंसिल आउट करेंगे तो F से F कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, तो X S अपॉन XC बराबर आएगा 4/2 कितना होता है 2 होता है, एक्सटेंशन इन स्टील बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन इन कॉपर, ठीक है, तो रेशियो कितने का हो जाएगा, रेशियो इनका 2 का हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों एक्सटेंशन का रेशियो जो है वो 2 होगा, ठीक है, दोनों एक्सटेंशन का रेशियो जो है वो 2 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a metal cube of side L is placed in a vise and compressed elastically by two opposing forces F. How will delta L, the amount of compression, relate to L? Delta L और original length L का क्या relationship है? देखिए ये cube है जिसकी हर side जो है ना L के बराबर है। तो अगर आप इस cube की length को देखें अगर आप, ठीक है? इस cube की अगर आप length को देखें, तो इस cube की length कितनी है? L. और उसके ऊपर जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देंगे सामने का, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे हम कहते हैं, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब डेल्टा एल का मतलब है कंप्रेशन, ये एक्सटेंशन, तो कंप्रेशन जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया इसका जो है वो एल स्क्वायर है, तो एल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/L के प्रोपोर्शनल होगी, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है 1/L के, और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा है कि डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/L के प्रोपोर्शनल। सवाल नंबर 8, अ लिफ्ट इज सपोर्टेड बाय टू स्टील केबल्स ईच ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, द लिफ्ट ड्रॉप्स 1 मिलीमीटर व्हेन अ मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम स्टेप्स इनटू द लिफ्ट, What is the best estimate of the Young modulus of the steel? इन्हें एक लिफ्ट है, दो स्टील केबल के जरिए आपने लिफ्ट को लटकाया हुआ है, हर केबल की लंबाई 10 मीटर है और उसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है, लिफ्ट ड्रॉप्स 1 मिलीमीटर, यानी कि वायर 1 मिलीमीटर एक्सटेंड कर जाता है जब आप 80 किलोग्राम के बंदे को उसमें लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है बंदा, करेंगे बताएं इसका यंग मॉडुलस क्या होना चाहिए। अच्छा, किसी मटेरियल का जो यंग मॉडुलस होता है वो बराबर होता है लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाई एरिया इन टू एक्सटेंशन, ठीक है, और यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है बजाय एरिया के, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यंग मॉडुलस बराबर है एफ
इंटू ट्वेल्व इंटू फोर अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एक्स। ये फोर कहाँ से आया? वो फोर ऐसे आया कि एरिया जो होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर होता है, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर का जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये इंटू फोर हो जाएगा। अब आपको ये मॉडल्स निकालना है, तो लोड यहाँ पर जो है वो कितना है, लोड यहाँ पर बंदे का वेट है 80 kg, और 80 केजी को मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे तो बंदे का वेट आ जाएगा जो कि लोड के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो केबल है तो लोड दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, जैसे कि लोड आपका हो जाएगा 40 × 9.8, ठीक है, ये आपका लोड हो गया जो कि यहाँ पे लग रहा है 40 × 9.8। लेंथ जो है केबल की 10 मीटर है, एक्सटेंशन जो आई है वो 1 mm की आई है, 1 mm का मतलब है 0.001 मीटर, ठीक है, 1 mm का मतलब है 0.001 मीटर, यानी कि 1x1 − 3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, और जो डायमीटर है वह है 0.5 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हो जाएगा 0.005 मीटर, ठीक है। अब अभी सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे यंग मॉडल्स के लिए, तो एफ की जगह क्या आएगा, एफ की जगह आएगा 40 × 9.8, लेंथ की जगह क्या आएगा, लेंथ की जगह 10 आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई, और डी की जगह आएगा, डी की जगह आएगा 0.005 का स्क्वायर, और एक्सटेंशन की जगह क्या आएगा, एक्सटेंशन की जगह आएगा 0.001, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर हमने फोर्स को डिवाइड बाय 2 क्यों करा? इसलिए क्योंकि जो लिफ्ट है ना उसको दो केबल से सपोर्ट कर रहे हैं आप, यानी कि लिफ्ट है आपकी, दो केबल बंधे हुए, तो ये दोनों जो केबल बंधे हुए हैं सीरीज में पैरेलल में, जल्दी बताओ पैरेलल है। तो हमने क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल में लोड डिवाइड हो जाता है और सीरीज में सबके ऊपर बराबर लगता है लोड। अच्छा, तो यहां लोड डिवाइड हो जाएगा ना, इनके 80 किलो का वजन है तो 40 किलो एक पे लगेगा, 40 किलो दूसरे पे, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर, इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। सी आ रहा है, सी आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ नॉन टेंसाइल फोर्स एक्ट्स ऑन अ वायर, द वायर डज नॉट एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट, व्हिच टू मेजरमेंट इनेबल द स्ट्रेन ऑफ द वायर टू बी कैलकुलेटेड। स्ट्रेन मालूम करनी है, तो स्ट्रेन किसके बराबर होती है, एक्स अपॉन एल, यानी कि एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है। इसके अलावा स्ट्रेन एक और जगह भी आता है, वो कहाँ पे आता है कि यंग मॉडल्स बराबर होता है किसके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है, तो यहाँ से स्ट्रेन किसके बराबर होगी, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडल्स। तो या तो आपको एक्सटेंशन और ओरिजिनल लेंथ पता हो तो स्ट्रेन मालूम हो सकती है, आपको स्ट्रेस और यंग मॉडल्स पता हो तो आप स्ट्रेन मालूम कर सकते हैं। अब ए में कह रहा है द अनस्ट्रेस्ड लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अनस्ट्रेस्ड लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ और एरिया अगर आपको मालूम हो तो आप ये स्ट्रेन मालूम नहीं कर सकते। अगर आपको अनस्ट्रेस्ड लेंथ पता हो, इनके ओरिजिनल लेंथ और आपको एक्सटेंशन पता हो तो आप स्ट्रेन मालूम कर सकते हैं, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग पढ़े उसको सॉल्व करके इसका आंसर बताने की कोशिश करो मुझे शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़े सब लोग, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें जल्दी से।
अबे आया आंसर कुछ आया? सर ए आ रहा है मेरा, नहीं ए नहीं, बी आ रहा है, बी बी आ रहा है। और किसी का कोई आंसर आ रहा है अभी? देखो सर बी आ रहा है, बी आ रहा है। इसके अलावा हमें बी आंसर ही आ रहा है सबका। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि 0.8 मीटर का जो है वो एक लेंथ है स्टील वायर की, ठीक है। तो लेंथ कितनी बता रहा है ये? लेंथ बता रहा है 0.80 मीटर, और उसका जो है ये स्टील का वायर है, ठीक है, स्टील का वायर है। और जो आपका वो है ब्रास का वायर, उसकी लेंथ कितनी है? 1.4 मीटर, ठीक है। दोनों को ज्वाइन किया है, सीरीज में ज्वाइन किया। अब वो दोनों मिलकर जो है उनको आपने 40 न्यूटन के लोड से जो है वो सस्पेंड किया, 40 न्यूटन का लोड जो है दोनों पर कॉमन होगा, क्योंकि सीरीज में लोड जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। लोड दोनों का सेम है और लोड दोनों का कितना है? 40 न्यूटन का लोड है दोनों। कह रहा है यंग मॉडल्स ऑफ स्टील इतना है और यंग मॉडल्स ऑफ ब्रास इतना है और दोनों का एरिया इतना है, तो दोनों की इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर दोनों जो है स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अभी बताएंगे टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी। तो बताना कि टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी आपको बताना है। अब देखें हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे कि जो एक्सटेंशन इन किसी भी एक वायर में जो एक्सटेंशन होगी किसके बराबर होगी? किसी भी एक वायर की एक्सटेंशन बराबर होगी एफ इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू ई के बराबर होगी, सही है। तो अब आप पहले बात कर लें स्टील वाले की। स्टील वाले की जो एक्सटेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? लोड कितना है? लोड दोनों में बराबर है 40 का। स्टील वाले की लेंथ कितनी है? स्टील वाले की लेंथ है 0.8 मीटर। दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों का एरिया है 2.4x - 6 इनटू यंग मॉडल्स ऑफ स्टील कितना है? 2x·11। ये स्टील की एक्सटेंशन हो गई, ठीक है। और जो उसकी एक्सटेंशन होगी ब्रास की वो कितनी होगी? ब्रास पे लोड सेम है लेकिन ब्रास की जो लेंथ है वो 1.4 है। ब्रास की लेंथ जो 1.4 है डिवाइड बाय 2.4 × −6, एरिया सेम है और उसके यंग मॉडल से 1·11। तो आपने स्टील की एक्सटेंशन निकाली फिर ब्रास की निकाली, दोनों को ऐड किया, तो उसके मुताबिक आपका आंसर बी आ रहा है। इन दोनों एक्सटेंशन को ऐड करके आंसर आप लोगों के मुताबिक बी आंसर आ रहा है। अगर आंसर बी आ रहा है तो फिर इसका आंसर ये होगा 3.0 × −4। दोनों एक्सटेंशन को जमा करके आंसर आपका 3.0 × −4 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है बात? आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, अगला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करें सावर जल्दी से। हाँ ट्राई करें इसको जरा आप लोग।
आपको समझ में आई बात? नहीं आई, सुने बात जरा गौर से। इसमें कह रहे हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटल स्टोन। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। सो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रॉड मेड फ्रॉम दिस मेटल व्हेन द स्ट्रेन ऑफ द रॉड इज 0.010। आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है। अब कोई भी जो ग्राफ होता है, कोई भी ग्राफ जो होता है, तो उस ग्राफ की दो चीजें होती हैं। एक होता है उस ग्राफ का ग्रेडियंट और एक होता है उस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। आपकी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वाई अपॉन एक्स के, यानी कि वाई पर और एक्स पर जो क्वांटिटी है उसके रेशियो के बराबर होता है, और जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वाई इंटू एक्स, यानी कि वाई और एक्स पर जो क्वांटिटी होती है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ग्राफ का एरिया कैलकुलेट तो खैर वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी ट्राइंगल का एरिया होगा, लेकिन इस ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट क्या करेगा? इस ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस ग्राफ का जो एरिया रिप्रेजेंट किसको करेगा? इस ग्राफ का एरिया जो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है? एक्स अपॉन एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। और इसमें जो एफ इंटू एक्स यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ये क्या हो गई? ये तो गई आपकी एनर्जी हो गई, ये तो गई आपकी एनर्जी, ठीक है। और ए इंटू एल क्या हो गया? ए इंटू एल हो गया आपका वॉल्यूम। ये बेसिकली इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करेगा, वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करेगा, ठीक है। तो हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो वो शो करेगा स्ट्रेन एनर्जी यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं, एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 0.01 इंटू हाइट कितनी है? 2 एक्सपोनेंट 6 गीगा है ना, तो 2 एक्सपोनेंट 9 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट 7। 1 एक्सपोनेंट 7 का मतलब है आपका 10 मेगाजूल्स पर मीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। अभी क्या हाल है, कुछ को समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि टू वायर्स एक्स एंड वाई आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। वायर हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड एक्सपीरियंसेस ट्वाइस द एक्सटेंशन ऑफ वायर एक्स। द वायर्स ओबे हुक्स लॉ एंड हैव द सेम ओरिजिनल लेंथ। सो वायर एक्सटेंशन हैज एक्सटेंशन ई, सो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वायर वाई? देखिए वायर एक्स जो है इसमें टेंशन है टी और इसमें टेंशन है 2t, यानी कि वायर एक्स की अगर आप बात करें तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है? टी लग रही है, और उस पर देखें तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है? 2t लग रही है। इसका अगर एरिया जो है मिसाल के तौर पर अगर ए के बराबर है तो इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? वो 4a के बराबर होगा। 4a के बराबर क्यों होगा? कि इसके डायमीटर के मुकाबले में इसका डायमीटर डबल है, और डायमीटर डबल करने से एरिया स्क्वायर टाइम पड़ता है, तो एरिया 4a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहा है के मटेरियल सेम है तो उसके यंग मॉडुलस ई है, तो उसके यंग मॉडुलस भी कितना है? ई है, ठीक है। और जो एक्सटेंशन की लेंथ जो है सेम ओरिजिनल लेंथ, दोनों की लेंथ भी बराबर, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है ई, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दें मिसाल के तौर पर। इसका जो यंग मॉडुलस होगा किसके बराबर होगा? इसका यंग मॉडुलस बराबर होगा एफ इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू ई, यानी कि एक्सटेंशन। इसका यंग मॉडुलस किसके बराबर होगा? 2t इंटू एल डिवाइड बाय एरिया इसका 4a इंटू एक्सटेंशन, आपको मालूम है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यंग मॉडुलस दोनों का सेम है, कंपेयर करेंगे तो टी इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू ई बराबर होगा 2t इंटू by 4a into x, tal, tal cancel, यहाँ बचेगा 1 upon e, यहाँ बचेगा 1 upon 2x, cross multiply करेंगे तो x बराबर आएगा किसके? x बराबर आएगा e by 2 के बराबर आएगा,
एक्स बराबर आएगा ई बाई टू, लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो ई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये इसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इंशाअल्लाह फिर मैं आपको कल क्लास में कराऊंगा, कल से मुलाकात जब भी आपकी अगली क्लास होगी। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वर्क एनर्जी पावर का एक टेस्ट आप लोग दे चुके हैं, और वर्क एनर्जी पावर का दूसरा टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह तआला आप लोगों को इस वीक देना है। यानी कि लास्ट जो हमने टेस्ट दिया था उसमें वर्क और एनर्जी का टेस्ट था, अब जो टेस्ट होगा पावर और एफिशिएंसी का होगा। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर वही है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो उसकी तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह मिस सुमैरा आपको जो है उसका स्केड्यूल बता देंगे किस किस डेट को होगा, मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पे ही होगा वो टेस्ट। ठीक है, बाकी इंशाअल्लाह कॉलेज में मुलाकात होती है, तो फिर इस वर्कशीट के जो है ना हम जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो उसमें सॉल्व करेंगे। सही है, थैंक यू।